अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कतर खबर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में जो कतर से सबसे पहली खबर आ रही है वो कस्टम विभाग की तरफ से आ रही है। नारकोटिक रैप्ड इन कैंडी रैपर सीज्ड बाय कतर कस्टम। दोस्तों, कतर कस्टम विभाग की तरफ से भारी मात्रा में साथ ही नशीली पदार्थ को वहाँ पर पकड़ा गया है। जबकि वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये नशीली पदार्थ को दोस्तों जो लाया जा रहा था कैंडी यानी चॉकलेट के दोस्तों कवर में उसे छुपा के लाया जा रहा था। यहाँ खबर को आप पढ़ सकते हो, नारकोटिक रैप्ड इन कैंडी रैपेपर्स यानी दोस्तों जो चॉकलेट वगैरह जो होती है उनकी पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ भी दोस्तों पीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उस पेपर में उसे छिपा के लाया जा रहा था। उसके बाद भी नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों उसे जब्त कर लिया गया है। खबर इसमें दोस्तों ये भी है कि एक स्मगलिंग अटैम्प्ट वाज फॉल बाई एयर कार्गो कस्टम। दोस्तों, ये एयर कार्गो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल इसे जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 ग्राम का कैनबीस था। साथियों, कैनबीस जो होता है वो एक तरह का नशीली पदार्थ होता है जो कि चॉकलेट कैंडी वेपर में से छुपा के लाया जा रहा था। फिलहाल दोस्तों उसे जब्त कर लिया गया है। दो जो भी इसमें शामिल थे उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों, बताया भी जा रहा है कि इस हफ्ते 9 अक्टूबर तक कस्टम विभाग की तरफ से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 2.07 किलोग्राम यानी लगभग 2 किलो से भी ज़्यादा साबू को पकड़ा गया है अलग अलग तरीकों से लाने के आरोप में। साथियों, कतर में जो है आए दिन हमेशा लोग वहाँ पर नशीली पदार्थ लाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों वो लोग बाज नहीं आते हैं, पर फिर भी दोस्तों वो सभी पकड़े गए हैं और सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है फैंटम्स एनिक रोड स्टार एंड मोर एट जिम्स कतर। साथियों, कतर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट्स हो रहा है जिसका दोस्तों नाम है जिम्स। यानी साथियों, जितने भी बड़े वहाँ पे नए नए प्रकार की जो भी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बनाई जाती हैं, कारें वगैरह, उन सभी को वहाँ पर नुमाइश पर दोस्तों लगाया जाता है और सबकी वहाँ पर एक तरह का दोस्तों रैंकिंग की जाती है कि कौन सी गाड़ियाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पर अभी उम्दा में चल रही हैं। तो दुनिया के अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ, अलग अलग देशों की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लाई जाती है। खासतौर पर दोस्तों एक अफगानिस्तान एक सुपर कार काफी सोशल मीडिया में दोस्तों चर्चा में है क्योंकि वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का वो बनाया गया है और देखने में बिल्कुल ये सुपर कार की तरह दिखता है। तो साथियों, यदि आप देखना चाहना चाहते हो जाकर वहां पे आप देख सकते हो। अगली खबर दोस्तों आ रही आमिरी मीट्स विद जर्मन प्रेसिडेंट। दोस्तों, कतर के जो आमिर है तमीम शेख हमल थानी साहब और जर्मन के जो प्रेसिडेंट है उन दोनों के बीच में दोस्तों मुलाकात की गई। जैसा कि वीडियो क्वेश्चन पे दोस्तों देख सकते हैं, एक तरफ कतर के आमिर साहब है और दूसरी तरफ जर्मन के प्रेसिडेंट साहब है। दोनों देशों के बीच में दोस्तों मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बहुत सारे चीज़ों पर बातचीत वगैरह की गई। कतर के आमिर शेख तमीम हमल थानी, जो कि थर्सडे के दिन एक्सलेंट डॉक्टर फ्रैंक वॉल्टर स्टेमेन से मुलाकात की गई और प्रेसिडेंट जो फ्रेंडली फेडरल रिपब्लिक जर्मनी से दोस्तों वहाँ पे बातचीत की गई हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों वो आ रही है स्टेट ऑफ कतर थ्रेटन स्टॉप द गैस सप्लाई टू वर्ल्ड वाइल बॉम्बिंग गाजा डिड नॉट स्टॉप। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसराइल के बीच में और फिलिस्तीन के बीच में एक जंग चल रही है। तो दोस्तों, उसमें एक सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही थी कि स्टेट ऑफ कतर जो यानी कतर जो मुल्क है, यदि गाजा पर बॉम्बिंग नहीं रुका तो पूरी दुनिया में दोस्तों गैस का सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से सोशल मीडिया पर कभी खबरें निकल कर आ रही थी। तो ऑफिशियली दोस्तों ये बताया गया कि ये बिल्कुल खबर जो है बिल्कुल ये फेक है, ये ऑफिशियली कतर की तरफ से नहीं किया गया, बस ये खबरों को चलाया गया, ये बिल्कुल फेक खबर है। तो दोस्तों, छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।